हेलो हेलो, सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। आइए हम लोग सर शुरू करते हैं आज फिटर। आज के अल्टरनेट में फिटर की क्लास होती है। जिन लोगों ने एएलपी फुल सिलेबस का बैच खरीद रखा है, फिटर वाले एमडब्ल्यूएफ का वीडियो देखेंगे और इलेक्ट्रिशियन वाले टीटीएस का वीडियो देखेंगे, ठीक है सर। हम डीजल मैकेनिक वाले भी फिटर का वीडियो देखेंगे, डीजल मैकेनिक वाले भी फिटर का ही वीडियो देखेंगे। जिनको जिनको जो भी डाउट है सर, जल्दी जल्दी पूछ लीजिए, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। फिटर का जिनका सर, फिटर का एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर का कोई लेना देना नहीं है, आप किसी भी चैप्टर से स्टार्ट करिए और पूरा पढ़िए। इलेक्ट्रिशियन का सर कल होगा, कल के अल्टरनेट में होगा, यानी मंगल, बृहस्पति और शनि। सर हम डीजल से डीजल वाले फिटर पढ़ेंगे, फिटर पढ़ने के बाद कुछ पार्ट उनका डीजल का है वो भी पढ़ेंगे। प्रणाम प्रणाम। अब जो भी डाउट है सर, जल्दी जल्दी हमको बताइए। इलेक्ट्रिशियन कल के अल्टरनेट में होगा, यानी मंगल, बृहस्पति और शनिवार। फिटर आज के अल्टरनेट में होगा, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। फिटर और डीजल आज के अल्टरनेट में। वेल्डिंग का जो रेस्ट पार्ट था, जो पीछे लोगों ने खरीदा होगा, उनका सर हम दो क्लास बचा हुआ बाद में कर देंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग लास्ट में पढ़ाएंगे सर, लास्ट में सबको कॉमन करके पढ़ा देंगे सबको, चूंकि पढ़ना है, आईटीआई एग्जाम में भी हेल्प हो जाएगा। फिटर का बुक में सर, अभी इलेक्ट्रिशियन की बुक फाइनल हो चुकी है तो वो छपेगी, लेकिन लॉकडाउन के कारण अभी नहीं छप पा रही है। फिटर की बुक में अभी टाइम लगेगा, बार बार बुक के बारे में ना पूछे सर, उसमें अभी टाइम लगेगा। इलेक्ट्रिशियन की बुक फाइनल हो चुकी है, बस छप इसलिए नहीं रही है सर क्योंकि लॉकडाउन हो रखा है। कोई भी बैच लिए थे सर तो आज के अल्टरनेट में फिटर चलेगा, कल के अल्टरनेट में इलेक्ट्रिशियन चलेगा। वेल्डिंग का दो क्लास है, लास्ट में बाद में ले लेंगे हम, चूंकि इसमें नया बैच आया है। बुक के बारे में ना पूछे जाने मन, बुक अभी लेट लगेगा, अभी एक महीना डेढ़ महीना लगेगा। अभी हम बुक पे छुट्टी में काम कर रहे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है, उसमें टाइम देना पड़ेगा हमको। इंजीनियरिंग ड्राइंग लास्ट में, इंजीनियरिंग ड्राइंग 3 से 4 नंबर का पूछा जाता है, 40 नंबर का तो फिजिक्स होता है। मेरा बात सुनिए सर, नीतीश जी बोलिए, हम सबका बातें सुन रहे हैं। एएलपी का बैच क्या लिखे हैं सर, कुछ पता नहीं है इसमें। एएलपी का बैच चलिए होइए सर, आज कब से स्टार्ट किया, अभी तुरंत आए हैं सर, स्टार्ट भी नहीं किए हैं। प्रणाम। इलेक्ट्रिशियन का बैच नीतीश जी कल के अल्टरनेट में होगा। जो भी फिटर वालों का वीडियो जाएगा उसमें फिटर देन चैप्टर का नाम लिखा हुआ रहेगा, इलेक्ट्रिशियन वालों का जो वीडियो जाएगा इलेक्ट्रिशियन एंड देन चैप्टर का नाम लिखा हुआ रहेगा। बुक में कुछ अभी फिटर में टाइम लग सकता है, वो इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिशियन सिर्फ लॉकडाउन के कारण नहीं छप रहा है, इलेक्ट्रिशियन कंप्लीट है। डेली डेली सर मत बोलिए हमको, हमसे नहीं हो पा रहा है, कितनों मेहनत करेंगे सर, उसमें टाइम लगेगा, बुक इतना आसान नहीं है, कुछ हो देखे कुछ छाप नहीं देंगे। एएलपी के बारे में अभी कुछ नहीं बोल सकते, एएलपी की वैकेंसी कब आएगी, लेकिन सर चूंकि कोविड का इतना भयावह रूप आ गया है कि इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन सर हर 2 साल पे आती है, 3 साल हो चुकी है। सर मेरा एम का पहला कदम है आज, अच्छा एएलपी का पहला कदम है आज, कुछ पता नहीं, आज से रेगुलर होगा। हाँ सर, जो आज से रेगुलर नहीं, एमडब्ल्यूएफ में यानी सोम, बुध और शुक्र होगा फिटर, और टीटीएस में होगा इलेक्ट्रिशियन। जो लोग इलेक्ट्रिशियन वाले हैं वो लोग चले जाएंगे कल इसी टाइम पे, अपने टाइम पे आएंगे। ये बैच 8 महीने का है। फिटर डीजल वाले आज रुकेंगे, इलेक्ट्रिशियन वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चले जाएंगे कल से, कल के अल्टरनेट में क्लास करेंगे। हाँ विवेक जी, आपका हम कमेंट्स देख रहे हैं, और जिसको जो बोलना है जल्दी जल्दी बोलो। झाझा नगरी से प्रणाम। फिटर में एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, आप किसी भी चैप्टर से पढ़ सकते हो। अब जिस चैप्टर से पढ़ोगे रोटेशन में फिर वहीं आके खत्म हो जाएगा।
विवेक जी हम आपका कमेंट देख रहे हैं। और बोलिए सर, बच जाएंगे सर तो रेगुलर होगा, नहीं बचेंगे तब तक तो कोई बातें नहीं है। अभी चार टीचर को सर, मेरे चार टीचर को कोविड हो गया है अभी सर। दो टीचर, एक टीचर के तो मम्मी पापा का देहांत हो गया है, दूसरा टीचर खुद अपना वेंटिलेटर पे है। अब जो लोग ट्रेड लिए हुए हैं और एएलपी का फुल कोर्स खरीदना चाहते हैं, उसके लिए सर उपाय हम खोजते हैं, एक पैनल हम बना देते हैं, उसमें सारे बच्चे जाके एडमिशन ले लेंगे। 699 का एक पैनल होगा, उसमें जाके एडमिशन ले लेंगे, हम बता देंगे सर। हां सर, थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। अब स्टार्ट करें, इलेक्ट्रिशियन वाले चले जाइए, ऑफलाइन हो जाइए, आप अपना काम कीजिए, कल इसी समय पे आ जाइएगा तो इलेक्ट्रिशियन का हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एएलपी का क्लास स्टार्ट हो चुका है, सुबह में 9 से 10 में फिजिक्स चल रहा है, 10 से 11 में ये रीजनिंग और 11 से 12 में मैथ सुबह में। झारखंड से लव यू, लव यू सर, हम आपके रूम पर एक दिन रह के आए हैं, वेरी गुड। अब शुरू करें सर, अगर आपका आदेश हो तो हम शुरू करें। स्टार्ट करते हैं सर, हैंड टूल्स मेरे हाथ में है सर, आज इसी को पढ़ने वाले हैं हम लोग, हैंड टूल्स को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हाँ, इंग्लिश भी लिख देंगे, इलेक्ट्रिशियन वाले ऑफलाइन हो जाएंगे। ठीक है, अब कुछ मत पूछना, हम पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। देखिए, हैंड टूल्स वह टूल्स होता है सर जिसको हाथ में लेकर हम हथौड़ाबाजी करते हैं। देखिए, अभी हाथ में लिए हुए हैं, हाथ में लिए हुए हैं और हाथ में लेकर सर हम इसको मारेंगे तो हैंड टूल्स कहलाता है वो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अब हम किसी का कमेंट्स नहीं देखने जा रहे हैं। हाँ, जिनको भी एएलपी का कोर्स लेना है हम कल बता देंगे सर। देखिए, हाथ में लेकर जिस टूल का हम प्रयोग करेंगे उसे हम हैंड टूल्स कहते हैं। एक लाइन में कंप्लीट है ये बात। अब चलते हैं सर, हैंड टूल्स में पहला हम लोग पढ़ेंगे हैमर। हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। ठीक है, हैमर का मतलब होता है मेरे दोस्त हथौड़ा। ये हथौड़ा है जिसका नाम है हैमर, ये हैमर है। हैमर बोले तो हथौड़ा, ई जैसे हम हाथ में पकड़े हुए हैं, ऐसे भी पकड़ा हुआ है। इससे हम लोग क्या क्या करते हैं सर, इससे हम लोग बहुत सारा काम करते हैं। जैसे कहीं पर छेद करना हो हैमर के द्वारा करते हैं। अगर हम लोग सर कहीं पर छेद करना होता है तो उसके लिए हम लोग हैमर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं मेरे दोस्त, हैमर का प्रयोग करते हैं। और हैमर के प्रयोग से हम किसी कहीं पर भी छेद कर सकते हैं। या खास करके किसी शेप को बदल सकते हैं। अगर हम छेद करना, थोड़ा सा आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, वेल्डिंग का दो क्लास बचा हुआ है सर, कर देंगे। अभी नए बच्चे आए हैं तो आज नया चैप्टर इसलिए स्टार्ट किए हैं। देखिए, हैमर के द्वारा हम लोग सर किसी भी रिवेटिंग कर सकते हैं, चिपिंग कर सकते हैं। आप कहेगा ये सब क्या है सर, तो पहले हम लोग हैमर को पढ़ेंगे और तब हैमर के काम को पढ़ेंगे। ये हैमर जो आप देख रहे हैं सर, ये हैमर, इसका काम क्या है? तो इसका काम है आकार में परिवर्तन लाना। कहीं पर भी मार दीजिएगा, पांच हथौड़ा आकार में परिवर्तन आ जाए। कहीं पर भी सर पांच हथौड़ा मार दीजिएगा, सरिया के आकार में परिवर्तन आ जाएगा। इसका काम है आकार में परिवर्तन लाना। ये हाथ में पकड़ के चुकी है इसलिए इसको हैंड टूल्स कहते हैं। इस चैप्टर का नाम भी है हैंड टूल। इसका पीडीएफ मिल गया होगा आप लोगों को, जिनको नहीं मिला है एक टेलीग्राम ग्रुप है जिस ग्रुप का नाम है एसके झा फिटर। इस ग्रुप में जाइएगा, इस चैप्टर का आपको प्रॉपरली वो मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। एसके झा फिटर करके टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा। अब देखिए, कहता वर्कशॉप में कार्य करते समय कारीगर को भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं और प्रायः ऐसे भी कार्य करने पड़ते हैं जिन पर ठोक पीट करना होता है, इसलिए चोट लगाने वाले औजार की आवश्यकता पड़ती है जिसको हम हैमर कहते हैं। चोट मारने वाले औजार की आवश्यकता होती है जिसको हम हैमर कहते हैं। कहीं पर भी चोट मारना है सर, उसके लिए हम लोग जिस औजार का उपयोग करते हैं, इस औजार को हम लोग हैमर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, हैमर कहते हैं।
अब हैमर का सर अलग अलग, इसकी बनावट अलग अलग होती है। जैसे आप हैमर आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में भी है, इसकी बनावट में एक सिरा पर पेन और दूसरा सिरा पर फेस होता है। देखिए नहीं रिफ्रेश, देखिए अगर ये हैमर है मेरे दोस्त तो इसके ये सिरा, इसको हम फेस कहते हैं और इसको हम पेन कहते हैं। इसको फेस कहते हैं, इसको पेन कहते हैं, इसको फेस, इसको पेन, फेस पेन। अब देखिए सर सारा पार्ट हम आपको समझाते हैं। ये हो गया फेस, ये हो गया पेन, इसको हम कहते हैं चिक। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको हम चिक कहते हैं। ये हैंडल हो गया, यहां से यहां तक ये पूरा हैंडल हो गया। इसमें जो ये छेद होता है जिसमें हैंडल लगाया गया है, ये जो हैंडल घुसाया जाता है, ये अंडाकार आकार का होता है। किस आकार का होता है मेरे दोस्त? अंडाकार आकार का होता है। अब वेल्डिंग चैप्टर सर हम दो क्लास बचा हुआ उसको अलग से हम कर देंगे। कहते हैं इसकी बनावट में एक सिरे पर पेन तथा दूसरे सिरे पर फेस के और बीच में आई होल बना होता है जिसमें एक हैंडल लगाया जाता है। ठीक है, एक फेस देन पेन चिक, इसमें आई होल जिसमें हैंडल लगाया जाता है, घुसाया जाता है। अब ध्यान देना, हैमर प्राय ये सर ऑब्वियसली हाई कार्बन स्टील का होगा। अगर ये हाई कार्बन स्टील का नहीं होगा तो इसको मारोगे तो दूसरे को क्या चपटाएगा, ये अपने चपट जाएगा। हैमर जो होता है सर ये हाई कार्बन स्टील का होता है, इसको जब मारोगे तो ये अपना नहीं चपटेगा, ये दूसरे को ही चपटा देगा। जैसे ये अगर हैमर है मेरे दोस्त, इसको ये हाई कार्बन स्टील का होता है, कार्बन अधिक होने के कारण ये सख्त होता है, सख्त होगा तब ना सर न मारोगे तो ये दूसरे को नहीं चपटा कि अपने चपट जाएगा। कहते हैं सर कि हैमर प्राय हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं और इसके फेस और पेन को हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। इसके फेस और पेन को हार्ड व टेम्पर, हार्ड कर दिया जाता है, इसलिए ये फेस है, ये पेन है, ये चिक है और ये हैंडल है और ये आई होल है जिसमें हैंडल को घुसाया गया है। देखो फिर से, ये तुम्हारा फेस है, ये पेन है, ये हैंडल हो गया, ये चिक हो गया, ये वाला भाग, एक आई होल है इस जिसमें हम हैंडल को घुसा दिए। तो सर ध्यान देना, कहता है हैमर प्राय हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं और इसके फेस और पेन को हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है जिसके कारण ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है। अब इसके पार्ट्स के बारे में हम लोग जानेंगे सर। हैमर का वर्गीकरण उसके पेन के आकार पर इसकी तौल के अनुसार किया जाता है। देखो ये पेन, ये हो गया फेस, ये हो गया पेन, पेन इसका अलग अलग होता है। ये जो पेन है सर ये अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे इसका पेन, ये कांटे उखाड़ते हैं ऐसे करके, इसका पेन अलग है। देखो इसका पेन अलग है, ये फेस है और ये पेन है। अगर हम बात करें, ध्यान देना पेन के आधार पर कौन कौन होता है हम उसके बारे में बताएंगे। देखिए इसका ये फेस है, ये सर फेस है और ये पेन है। इसका पेन देखिए किस आकार का है, ये फेस है, फाउंडेशन है सर, एकदम आराम से पढ़ेंगे, और ये पेन है। इसका फेस देखिए आप, ये फेस है और ये पेन है। तो सबका फेस और पेन अलग अलग आकार का होता है, सबका फेस और पेन अलग अलग आकार का होता है। ठीक है, हां सुख जी हम जानते हैं। इसका फेस और पेन देखिए, इसका नया चैप्टर है सर हैंड टूल्स और फिटर का, किसी भी एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर का कोई लेना देना नहीं है। आप जहां से सर पढ़िएगा, यहां से जैसे हैंड टूल्स से पढ़िएगा, फिर हम रोटेशन में घूम के आएंगे और हैंड टूल्स पे पहुंचेंगे, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये फेस है और ये पेन है, तो अलग अलग आप गौर से देखिए, इसका भी फेस, इसका फेस या इसका फेस, सबका फेस एक जैसा है, खाली पेन अलग अलग है, सबका पेन अलग अलग, सबका पेन अलग अलग। पेन बोले तो ये फेस और ये पेन,
समझिए सर, कोरोना काल में किसी तरह हम लोग क्लास ले रहे हैं। हमारे इंस्टीट्यूट से 3 लोगों को कोविड है, तरुण सर को, प्रणव सर को और अमित सर को, 3 लोगों को कोविड है, फिर भी क्लास चला रहे हैं, जान हथेली पे रख के। कहते हैं मेरे दोस्त, हैमर का वर्गीकरण उसके पेन के आकार और इसके तौल के अनुसार किया जाता है। अब तौल के अनुसार कैसे करते हैं, 3 प्रकार के तौल के अनुसार हैमर होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हैमर निम्नलिखित मुख्य पार्ट्स होते हैं, कौन कौन मुख्य पार्ट्स होते हैं सर? एक तो फेस, ये इसको कहते हैं फेस, और ये जो यहां सर गर्दन बना हुआ है, एकदम आराम से सर आप कुछ नहीं जानते हैं ये हम मानते हैं, इसको कहते हैं नेक। और ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं पेन, ये फिर फेस हो गया। इसका जो पेन है ये पेन है, ये पेन है जिसको हम क्लॉ भी कहते हैं, ये हैंडल हो गया, ये वाला पार्ट चिक हो गया, और ये ग्रिप हो गया। ग्रिप मतलब ये वाला, ये काला वाला जो तुम देख रहे हो ये ग्रिप है, ये हैंडल है, ये चिक है, ये फेस है, ये जो तुम देख रहे हो ये क्लॉ है, इसी को हम पेन भी कहते हैं। यहां हैमर के निम्नलिखित मुख्य पार्ट हैं, पहला है पेन, आई होल, आई होल जिसमें सर हैंडल फंसाया जाता है, हैंडल जो कि खुद एक हैंडल हुआ ये वाला, उसके बाद फेस, दिस वन इज अ फेस, उसके बाद हेड, हेड हो गया ये वाला, ये पूरा हो गया हेड, ये पूरा हो गया हेड, उसके बाद हो गया वेज, वेज का मतलब होता है पच्चर, पच्चर सर देख रहे हो ये वाला है पच्चर, ये जो इसमें तुम बहुत सारा कांटी घुसा के इसको हम टाइट किए हुए हैं ये वाला, ये देख रहे हो ये एक पच्चर निकल भी गया है, पच्चर तुम गांव घर में ठोकता होगा सर, बुक के बारे में ना बताओ, गाय हमारी माता है, ट्रेड में हमको कुछ नहीं आता है, कोई बात नहीं, हम कंटिन्यूअसली अगर आप क्लास कीजिएगा तो हम पूरा सिखा देंगे। अभी थोड़ा सा बहुत विकराल स्थिति चल रहा है सर, किसी तरह समझो कि क्लासेस चल रही है, एक भी स्टाफ नहीं आता, सब भाग गया, नौजवान रहेगा ढेरी नौकरी कर लेंगे। देखो ई वेज है, ये जो तुम देख रहे हो ये वेज है पच्चर, जिसको हम लोग सर ठोक के टाइट करते हैं, इसमें ठोक देंगे ना, इलूज अगर है, इलूज है, इसमें अगर हम ये वो पच्चर मार देंगे सर तो ये टाइट हो जाएगा, ये टाइट हो जाएगा, इसी को हम वेज कहते हैं, पच्चर कहते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग सबसे लास्ट में सर, पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब, ध्यान दीजिएगा। हैमर के निम्नलिखित मुख्य पार्ट्स हैं, ये हो गया फेस, ये हो गया नेक गर्दन, ये हो गया चीक, ये हो गया पेन या क्लॉ, हैंडल, ग्रीप, पेन, फेस, हेड। हेड की अगर बात करोगे मेरे दोस्त, ये यहां से लेके यहां तक ही पूरा हेड है, ये हेड, ये चिक है, क्लॉ या पेन, फेस, हैंडल और ये ग्रिप। ग्रिप मतलब सर जहां से हम पकड़ते हैं। प्राय निम्नलिखित प्रकार के हैमर लाए जाते हैं, एक है बॉल पेन हैमर, पहला है बॉल पेन हैमर। बॉल पेन हैमर में तुम गौर से देखो, ये फेस है, इफ दिस वन इज अ फेस, ये अगर फेस है ये पेन हो गया। अच्छा, चूंकि पेन का आकार बॉल के आकार का है, इसको हम बॉल पेन हैमर के नाम से जानते हैं।
और ये नेक हो गया तुम्हारा दिस वन, यहां ये नेक हो गया, ये चिक हो गया, ये हैंडल हो गया तुम्हारा। पोल का कोई खास काम नहीं है, लव यू टू मेरा भाई, ध्यान से देखना एकदम आराम से। तुरा कुछ नहीं आता है ट्रेड में तो ये हम तरह सिखा देंगे, लेकिन सीखने की कोशिश तो रे करना होगा, ये तो हम नहीं करेंगे। गाय हमारी माता है, हमको ट्रेड में कुछ नहीं आता है न रे। देखो ये हो गया फेस, ये हो गया पेन, ये हो गया चिक, ये हो गया हैंडल, हो गया नेक। तो कहता है बॉल पेन हैमर, बॉल पेन हैमर इसलिए क्योंकि इसका आकार बॉल के आकार का है। जी रोहित जी, अब कहता है बॉल पेन हैमर का काम क्या क्या है, देखो चिपिंग करने के लिए और रिवेटिंग करने के लिए। तुम गौर से देखो ये जो चिप है वेल्डिंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम ऐसे ऐसे करके हथौड़ा से तोड़ देंगे। देखना एक को हथौड़ा बोर्ड पे लग गया तो मामला गंभीर हो जाए। इसको सर ये चिपिंग करना मतलब ये हथौड़ा से ऐसे ऐसे करके इसको हम तोड़ देंगे, तो इसको हम कहते हैं सर बॉल पेन हैमर। एक है रिवेटिंग, चिपिंग करना इसको कहते हैं, चिपिंग करना मतलब चिप को हटाना। एक है रिवेटिंग करना, रिवेट करना मतलब सर जानते हैं वो बाल्टी सब में जो रिवेट मारा हुआ होता है, ये ऐसा बाल्टी है। ये देखिए रिवेट मारा हुआ होता है, इसी को हम रिवेट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त, रिवेट कहते हैं। ये जो रिवेट है ये रिवेट जो है क्या है ये मेरे दोस्त, ये रिवेटिंग करने के लिए रिवेट में तुम अगर देखा होगा एक साइड से मत्था बनाना पड़ता है थोड़ा मार, एक साइड से उसमें मत्था रहता है, एक साइड से थोड़ा बना मत्था बनाना पड़ता है रिवेट मार। तो कहते हैं हैमर का अधिकतर प्रयोग चिपिंग, चिपिंग मतलब है यही वेल्डिंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट आया था उसमें थोड़ा मार मार के उसको हटाने के लिए, और रिवेटिंग करने के लिए क्या था, रिवेटिंग मतलब रिवेट मारने के लिए, रिवेट मतलब सर पिन जिसको तुम कह रहा है, एगो रिवेट मार देते हैं इधर से दे हथौड़ा मार देते, रिवेटिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह एक बहुत ही साधारण प्रकार का औजार है जिसका फेस, ये बॉल पेन हैमर जिसका फेस चपटा होता है, देखो ये फेस चपटा होता है और पेन जो होता है बॉल के समान गोल होता है, ये बॉल के समान गोल होता है पेन, ये पेन जो है ये बॉल के समान गोल होता है। कहता यह एक बहुत ही साधारण प्रकार का औजार है जिसका फेस चपटा होता है, ये फेस चपटा होता है ऐसा, ये फेस चपटा है। इलेक्ट्रिशियन वाले अभी चले जाएंगे, कल बात करेंगे आपसे। ऑलरेडी बुक सर बन चुका है लेकिन लॉकडाउन के कारण बुक नहीं छप रहा है, हम भी नहीं छाप रहे हैं, चूंकि अब तक पहुंचेगा कैसे, लगभग दुकानें बंद हैं। कहते हैं यह एक बहुत ही साधारण प्रकार का औजार है जिसका फेस चपटा होता है और पेन बॉल के समान गोल होता है, ये जो पेन है ये बॉल के समान गोल होता है, फेस चपटा होता है। इससे हम लोग क्या क्या करते हैं अभी तुरंत तुमको बताएं, हम चिपिंग और रिवेटिंग करते हैं। आज फिटर की क्लास चल रही है, कल आपकी क्लास चलेगी। भारतीय स्टैंडर्ड BIS के अनुसार अब देखिए, वजन के आधार पर, वजन जो होता है हथौड़े का, वजन जो होता है मेरे दोस्त हथौड़े का, वजन जो होता है हथौड़े का वो कितना से कितना तक होता है, तो अगर हम बात करें वजन की, अगर तुम लोग ऑनलाइन ले सकते हो तो बताओ तो हम छाप देंगे, किताब ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, फिर इलेक्ट्रिशियन का, फिटर का नहीं, इलेक्ट्रिशियन वाले कल बात करेंगे हम। देखिए 0.11 टू 0.91 केजी का होता है हथौड़ा, यानी एक किलो से भी कम। अब इसमें 0.3
3 3 kg इस सबसे हल्का हथौड़ा है तक, इस सबसे हल्का हथौड़ा है और 0.33 to 0.45 kg ये मध्यम कार्यों के लिए यह प्रयोग किया जाता है और 0.91 kg यानी 0.45 to 0.91 kg ये भारी कार्यों के लिए, 0.45 to 0.91 kg ये भारी कार्यों के लिए। ध्यान दीजिएगा सर, एक का सर रिकॉर्डेड देखिए और एक का लाइव कीजिए। तो वजन के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, वजन के आधार पर, वजन का रेंज है 0.11 to 0.91 kg, 0.11 to 0.91 kg, चेक कर लो क्या प्रॉब्लम है, 0.11 to 0.91 kg। जब 0.33 kg तक होगा तो सबसे हल्का हथौड़ा होगा, 0.33 to 0.45 ये मध्यम हथौड़ा कार्यों के लिए होगा और 0.45 to 0.91 ये भारी कार्यों के लिए हथौड़ा होगा। 3 प्रकार के हथौड़े होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं, पहले उसी बुक को शुरू किए तो वही बुक कंप्लीट किए, कोई एक तो शुरू करना ही था रे चला, ये तो गलत बात है, गलत इल्जाम लगाता है। हमारे लिए तो जैसे मम्मी पापा के लिए सभी बच्चे बराबर होते हैं, वैसे सर गुरु के लिए सभी बच्चे बराबर होते हैं। हाँ ज्यादा पैसा लग रहा होगा पीडीएफ में, अभी सिर्फ ऐसे ही सर देखो ना, एक दो चैप्टर में तब तक देखते हैं हम कुछ करेंगे। 0.11 to 0.91 kg होता है सर, तो 0.33 kg तक होता है हल्का हथौड़ा, 0.33 to 0.45 होगा तो मध्यम हो जाएगा और भारी कार्यों के लिए 0.91 kg हो जाएगा। तो आपको कहेगा हथौड़े का रेंज कितना होता है, तो सर कहेंगे 0.11 to 0.91 kg, 0.11 to 0.91 kg हथौड़े का रेंज होता है। अब ध्यान दीजिएगा सर, कहता है भारतीय स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसको हम कहते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। हम पूरा का पूरा फिर से रिवीजन करेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। के अनुसार 0.11 to 0.91 kg तक पाए जाते हैं प्राय हल्के कार्यों के लिए 0.33 kg, मध्यम कार्यों के लिए 0.45 kg और भारी कार्यों के लिए 0.91 kg के हैमर्स का प्रयोग किया जाता है। यानी 0.33 kg तक हल्का, 0.333 के बाद 0.45 तक मध्यम और 0.45 के बाद 0.91 तक भारी कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखो, अब आता है, ये तो हो गया बॉल पेन हैमर। देखो हमने तुमको कहा पेन के आधार पर, हैमर का वर्गीकरण पेन के आधार पर किया जाता है, जिसमें पहला है तुम्हारा, हैमर के निम्नलिखित पार्ट्स हैं, इसमें पहला है तुम्हारा हैमर का प्रयोग, प्राय निम्नलिखित हैमर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहला है तुम्हारा बॉल पेन हैमर। बॉल पेन हैमर का प्रयोग हम लोगों ने कहा कि ये इसका पेन जो होता है वो बॉल के आकार का होता है, फेस चपटा होता है, हाई कार्बन स्टील का होता है, हार्ड किया हुआ होता है, इसमें एक चिक होता है, इसमें एक पेन होता है, फेस होता है, नेक होता है, चिक होता है, हैंडल होता है, ग्रिप होता है, यही बताए हैं। अभी फिटर का बुक नहीं है रे भाई, रुक जा। इस हैमर का अधिकतर प्रयोग चिपिंग और रिवेटिंग करने के लिए किया जाता है, चिपिंग और रिवेटिंग, ये चिपिंग और रिवेटिंग करने के लिए किया जाता है। यहां ये चिपिंग है, चिपिंग मतलब जो एक्स्ट्रा पार्ट्स उसको झाड़ने के लिए, रिवेटिंग मतलब रिवेट बनाने के लिए। फिर उसके बाद है, यह बहुत साधारण प्रकार का औजार है जिसका एक साइड चपटा और दूसरे साइड गोल होता है। भारतीय भारत में 0.11 to 0.91 kg का होता है, 0.33 तक हल्का, 0.45 मध्यम और 0.91 भारी। इसके बाद दूसरा है क्रॉस पेन हैमर। देखो यह बॉल पेन हैमर, बॉल पेन हैमर और यह है क्रॉस पेन हैमर। क्रॉस पेन हैमर यही है जो मेरे हाथ में है, ये है क्रॉस पेन हैमर। देखो ये अगर यही सीधा रहता तो इसको स्ट्रेट पेन हैमर कहते हैं, ये देखो इसे मुड़ गया है ना, तो इसको
क्रॉस पेन हैमर कहते हैं। पेन जिसका क्रॉस हो उसे क्रॉस पेन हैमर कहते हैं। ध्यान देना मेरे दोस्त, ये जो पेन है ये पेन जिसका क्रॉस हो उसको हम क्रॉस पेन हैमर कहते हैं। ये जो पेन है ये जिसका क्रॉस हो उसको हम क्रॉस पेन हैमर के नाम से जानते हैं। ये जो पेन है ये पेन सीधा ना हो, पेन क्रॉस हो जिसका, उसे हम क्रॉस पेन हैमर के नाम से जानते हैं। तो देखो तुम गौर से, ये बॉल पेन हैमर भी है, ये बॉल पेन हैमर भी है, या इसको हम स्ट्रेट पेन हैमर भी कह सकते हैं। स्ट्रेट पेन हैमर भी कह सकते हैं, और इसको हम क्रॉस पेन हैमर इसलिए कहते हैं सर कि ये स्ट्रेट नहीं होता, देखो ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है। ऐसे नामे है सर, गौर फरमाइएगा, क्रॉस पेन हैमर जिसका पेन जो है वो स्ट्रेट नहीं होकर के क्रॉस होगा उसे हम क्रॉस पेन हैमर कहते हैं। ठीक है, जिनको पीडीएफ लेना है सर, एसके झा फिटर टेलीग्राम पे सर्च करेंगे वहां पे पीडीएफ अवेलेबल है, उसको हम क्रॉस पेन हैमर कहते हैं। कौन पेन हैमर कहते हैं मेरे दोस्त? ये अभी ये स्ट्रेट पेन हैमर हो गया, ये ऐसा हो जाएगा तो इसको हम क्रॉस पेन हैमर कहते हैं। सारे ग्रुप्स में डाला हुआ है, क्रॉस पेन हैमर कहते हैं। देखो इसी को, ये स्ट्रेट पेन हैमर नहीं होकर के ये क्रॉस पेन हैमर हो जाता है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। तो अब सर इसका उपयोग क्या क्या है? ये भी सर 0.11 टू 0.91 केजी का होता है, ये भी 0.11 टू 0.91 केजी का होता है। कहता है इस हैमर का फेस चपटा होता है और पेन हैंडल को क्रॉस के क्रॉस में बना होता है। देखो इसका फेस चपटा होता है, ये फेस चपटा है, लेकिन ये जो पेन है वो हैंडल के क्रॉस में सीधा नहीं होता है, ये हैंडल के ऐसे क्रॉस में बना होता है। फेस चपटा होता है और पेन हैंडल के क्रॉस में बना होता है। इसका भी वजन 0.11 टू 0.91 केजी होता है। इसका मुख्य उपयोग सर इन नाली बनाने में करते हैं। नाली बनाने मतलब सर क्या कह सकते हो, साइड का कॉर्नर बनाने में करते हैं, साइड कॉर्नर बनाने में करते हैं, नालियां बनाने में करते हैं। ये जो नाली है ये नाली बनाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। कहता है इसका इस हैमर का फेस चपटा होता है और पेन हैंडल के क्रॉस में बना होता है। इसका अधिकतर प्रयोग सीट या जॉब की नालियां, नालियां मतलब सर वही चैनल कह सकते हो, नालियां बनाने या सीट को या जॉब को मोड़ने के लिए, अंदरूनी मोड़ पर चोट लगाने के लिए क्या आता है। अंदरूनी मोड़ मतलब ऐसे घुसा के ऐसे ऐसे करके चोट लगाने के लिए, या इसको ऐसे करके मोड़ने के लिए भी हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे इस सीट है, मान लो इस सीट है, इसको ऐसे करके मोड़ देंगे तब भी ये मुड़ जाए, तो मोड़ने के लिए भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार 0.11 टू 0.91 केजी का हथौड़ा हम लोग प्रयोग करते हैं भारत में। स्ट्रेट पेन हैमर, देखो अभी तुरंत हम तुमको बताए थे क्रॉस पेन हैमर में ये क्रॉस रहेगा, ये ऐसे क्रॉस रहेगा, स्ट्रेट पेन हैमर में ये स्ट्रेट रहेगा, एकदम कंप्लीट स्ट्रेट, देखो स्ट्रेट रहेगा, एकदम क्रॉस नहीं रहेगा। दोनों में देखो डिफरेंस है, ये क्रॉस पेन हैमर में ये टेढ़ा रहेगा और स्ट्रेट पेन हैमर जो है ये नेक्स्ट, ये तीसरा टाइप का, एक बॉल पेन हैमर पढ़े, एक क्रॉस पेन हैमर पढ़े, ये स्ट्रेट पेन हैमर में ये कंप्लीट स्ट्रेट रहता है। अब देखो कहता इस हैमर का फेस चपटा होता है, इस सब का सर वजन 0.11 से 0.91 ही होता है। पेन इसमें आई होल हैंडल के सीध में बना होता है, इसर आई होल तो सब हैंडल के सीध, हैंडल है, हैंडल के सीध में आई होल बना हुआ होगा, इस सब में बना होता है। इसका अधिकतर प्रयोग धातु को फैलाने के लिए, सीट या जॉब्स में चैनल और नालियां बनाने के लिए, चूंकि सर ये स्ट्रेट है तो इससे हम लोग नाली काट सकते हैं, ऐसे ऐसे करके नाली, ऐसे ऐसे करके अगर टीना पे मारिएगा तो नाली कट जाएगा, नाला बन जाएगा। और भारतीय स्टैंडर्ड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार इसका जो वजन होता है 0.11 केजी टू 0.91 केजी होता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार इसका वजन 0.11 टू 0.91 केजी होता है। एक बार अब फिर से रिवीजन करेंगे सर, ध्यान दीजिएगा। हैमर हैंड टूल चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है।
हैंड टूल में हम लोगों ने पहला पढ़ा हैमर। हैमर का काम क्या है? चोट लगाकर आकार या आकृति को बदल देना, यह हैमर का काम है। चोट मारकर आकार या आकृति को बदल देना, यह चोट मारकर आकार या आकृति को बदल देना, यही हैमर का काम है। ठीक है। अब हैमर में कितने पार्ट्स होते हैं सर? तो गौर फरमाइएगा तो ये पार्ट्स आपको दिख जाएगा। ये पार्ट्स आपका, ये फेस है, ये पेन है, चिक है, हैंडल है, ग्रिप है, आई होल है। अब ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। यहां पर ये नेक हो गया, ये जो आप देख रहे हो ना, ये नेक हो गया। अब ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं सर? तो ध्यान दीजिएगा सर, ये अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं। अगर किसी का ये पेन बॉल के आकार का होगा तो इसको हम बॉल पेन हैमर कहेंगे, और ये फेस सबका चपटा होता है। अगर ये स्ट्रेट होगा तो स्ट्रेट पेन हैमर कहेंगे, क्रॉस होगा तो क्रॉस पेन हैमर कहेंगे, बॉल के आकार का होगा तो बॉल पेन हैमर कहेंगे। सबका अलग अलग काम है। बॉल पेन हैमर का काम है रिवेटिंग करना, चूंकि ये गोल टाइप का होता है तो रिवेटिंग हो जाता है, उससे चिप झड़ जाता है। क्रॉस पेन हैमर का काम है नालियां काटना, मोड़ना। स्ट्रेट पेन हैमर का काम है नालियां काटना। सबका वजन 0.11 टू 0.91 केजी के रेंज में होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार। और इसका वजन 0.11 टू 0.91 केजी के रेंज में होता है। 0.33 होगा तो हल्के कार्यों के लिए, 0.45 होगा तो मध्यम कार्यों के लिए, और 0.91 होगा तो भारी कार्यों के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। सर A to Z क्वेश्चंस ALP के नई वाली बुक जो आ रही है उसमें हम डाल रहे हैं, इसीलिए सर टाइम लग रहा है। सारे A to Z पुराने वाले बुक को हम अपडेट कर दिए हैं नए पैटर्न के अनुसार, इसीलिए टाइम लग रहा है। तुम लोग जो बुक करता है ना उसमें टाइम लगेगा सर, ताकि सब क्वेश्चन तरह से बने। कहते हैं 0.11 टू 0.91 केजी का हथौड़ा होता है, जिसमें 0.33 हल्के कार्यों के लिए, 0.45 मध्यम कार्यों के लिए, और 0.91 भारी कार्यों के लिए। यह हो गया आपका फेस, यह हो गया आपका पेन, यह हो गया आपका चिक, यह हो गया आपका हैंडल, और यह हो गया आपका ग्रिप। ठीक है। और यहां होता है आई होल। यहां क्या होता है? आई होल। ये हो गया फेस, पेन, चिक। तो आज की कार्रवाई हम लोग यहीं तक रखेंगे, अगले क्लास में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। फिर से मैं बता दूं कि आपका जो क्लास अपलोड होगा उसमें लिखा हुआ होगा फिटर, देन चैप्टर का नाम हैंड टूल्स क्लास 1, इस टाइप से लिखा हुआ होगा, और तब वही वीडियोस आपको देखना है MWF के अल्टरनेट में। यानी आपकी क्लास अब परसों होगी, MWF यानी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, यानी सोम, बुध और शुक्र, ये 3 दिन के अल्टरनेट में चलेगा फिटर, और मंगल के अल्टरनेट में चलेगा इलेक्ट्रिशियन। थैंक यू वेरी मच। आज पहला क्लास है इस चैप्टर का। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल।